किधर से मतलब तुम हाँ ओके देयर वाज सम नेटवर्क इशू सॉरी गाइस। हाँ अरे है सब निकल गया। लिखा है ना तुम ग्रुप में? हाँ सब करेगा ना ज्वाइन? ठीक है। ये हो गया। द फॉलोइंग आर कोड जेनरेट्स एन सिमुलेशंस ऑफ जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स यू एंड वी वेयर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ यू एंड वी आर यूनिफॉर्म। ये हम लोग को पता है। एंड डिपेंडेंसी बिटवीन यू एंड वी इज गिवन बाय गॉजियन कॉपुला। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा? यू एंड वी क्या है? सीडीएफ ही तो है। मार्जिनल सीडीएफ एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ एक्स इज यू, एफ वाई इज वी, सी यू कॉमा वी इक्वल्स टू, तुम लोग जो वो पूरा बनाते हो कॉपेला है ना, वही करना है अपने को। तो पहले यू एंड वी रैंडमली जनरेट करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे देख लो। पहला वाला कॉपेला है आर कॉपेला से बेसिकली हम लोग रैंडम, जैसे हम लोग रैंडम नंबर सिमुलेशन करते हैं आर नॉम आर एक्सपी, वैसे आर कॉपेला से आप रैंडमली नंबर जनरेट करो फ्रॉम अ कॉपेला डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? गॉसियन कॉपेला, जिसका पैरामीटर है रो। ठीक है, रो आपका ये है -0.5। द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट सी का आपका ये हो जाएगा। द आउटपुट फ्रॉम द फंक्शन आर कॉपेला इज इन द फॉर्मेट एन क्रॉस टू मैट्रिक्स। मतलब आपका कितना रोज? एन रोज एंड टू कॉलम्स, टू कॉलम रिप्रेजेंटिंग यू एंड वी। बिफोर आंसरिंग पार्ट वन जेनरेट द मैट्रिक्स गॉश एक्स वाई इन आर यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स। तो इसको पूरा को रन कर लो। तुम लोग इतना जो रो रहा था अभी तक, तुम लोग ये क्वेश्चन कर चुका था आधा। सेड इससे क्या होगा? इस वाला से क्या होगा? क्या जनरेट हुआ इससे? यू एंड वी फ्रॉम 2 लाख से क्या? हाँ, तो 2 लाख रैंडम नंबर्स ऑफ यू एंड वी विच आर रिलेटेड यूजिंग गॉसियन कॉपुला विथ रो -0.5। ठीक है, रो -0.5 है मतलब कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी नेगेटिव। इसको रन किया, फिर यू और वी निकल गया। अब हम लोग बोल रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू यू, एफ वाई इज इक्वल टू वी। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करते थे ताकि एक्स और वाई का वैल्यूज आ जाए। तो देखो ये निकालेंगे गॉश एक्स वाई। पहले तो एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसका नंबर ऑफ रोज 2 लाख एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गया विथ ऑल द जीरोस। अब उसमें डालेंगे पहला रो पहला कॉलम। ये यहाँ पे कोड दिया हुआ है, हो सकता है अब नेक्स्ट आप लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें दे विल नॉट गिव यू द कोड्स, दे विल आस्क यू टू जेनरेट द वैल्यूज। मतलब यहां तक भले ही दे सकते हैं बट इसके बाद तो आप लोग को खुद से करना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे? दूसरा क्यू नॉर्म क्यों? क्योंकि हम लोग को यू एफ एक्स इक्वल टू यू दिया हुआ है। तो अगर आप लोग को वो यू दिया हुआ है तो क्यू नॉर्म से वो क्वांटाइल वैल्यू एक्स निकल सकता है। हाँ निकल सकता है, बस हाफ एन आवर और, मतलब ये क्वेश्चन बस हो जाए। तुम लोग का 15 मिनट में होगा तो बहुत अच्छा है, ऐसे लेजीली बैठेगा तो नहीं खत्म होगा। गॉश यू वाई, तो इससे हमने यू एक्सट्रैक्ट कर लिया बेसिकली। मीन आपका दिया हुआ है, एस डी आपका दिया हुआ है। अगर हम लोग यही थ्योरी में करते तो हम लोग को वो पूरा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता विच इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे, है ना? क्योंकि आपके पास क्यू नॉर्म है तो आप क्यों यूज करोगे? बस समझ में आ रहे ना क्यू नॉर्म क्यों यूज करें ऑल ऑफ यू? खुशबू क्यों करें क्यू नॉर्म यूज? हाँ तो यू हम लोग को दिया हुआ है विच इज वॉट अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो आप लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, इनवर्स ऑफ सीडीएफ करना है, तो क्यू नॉर्म। ठीक है, मैं बहन क्यों नहीं आई? पता अब ऑब्वियसली बेवकूफ की जैसे इसको रन मत कर लेना, 2 लाख रोज आ जाएगा। तो हेड चेक करेंगे इसका, चेक करो इसका हेड कोड समझ में आ गया सिंपल सा। अब पहला पार्ट, एक्चुअली पहला पार्ट था ही नहीं।
generate 2 lakh observations of x and y using copula 2 and marginal distributions of x and y, assigning the observations 2 lakh into 2 matrix named T3XY. So, jo hum log Gauss XY ke liye ki, wo hum log ko T3 ke liye karna hai. You should set a random number generator seed of 3 before generating the observations. Head to display the first 6 rows of T3XY. Karo. Same cheez karna hai, copy paste marna. Khali Gauss ke jagah pe. मतलब ये जो ये वाला था ना आपका नॉर्म कॉपिला के जगह पे उन्होंने लिखा है ना टी कॉपिला लिख देना, लिखा हुआ है ना चीज अपने इधर, ये तो दे ही रखा है इन्होंने टी कॉपिला. अब अगर एग्जाम से निकल के कोई बच्चा ये बोले कि मैम आपने मैंने कराया था इसके पहले, वैसे तो कॉपिला पैकेज ने करा दिया था, अगर नहीं कराया होता फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट निकल के बोलता है मैम आपने तो कॉपिला पैकेज नहीं कराया और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कॉपिला पैकेज नहीं कराया, तो उससे बेवकूफ बच्चा नहीं है, उससे पढ़ा ही नहीं कॉपिला, बिकॉज यहाँ कुछ है ही नहीं. इज इट एनीथिंग विच यू फील कि आप लोगों ने नहीं किया ना, तुम लोग नहीं किया ना कॉपिला पैकेज, तुम लोग को एक पॉइंट पे फील हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ बेसिक तो आया ना, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो नहीं समझ में आने का, इधर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, कोड्स भी सिंपल है. सेम चीज करेंगे, आई विल कॉपी द एंटायर थिंग, फ्यू चेंजेस विल बी देयर ऑब्वियसली. सीड वैल्यू 3 बोला है, 3 रखना है ठीक है. फिर यहां पे इन्होंने बोला है T3, तो T3UV लिखेंगे, उसमें R कॉपिला 2 लाख है, ये नॉर्म कॉपिला की जगह पे T कॉपिला आ जाएगा. एंड पैरामीटर में वी हैव कितना रो दिया हुआ है, सेम रो है एंड डीएफ भी है, कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा? हाँ कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा बोलो, क्यों यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है. स्टूडेंट्स टी कॉपिला विथ, मेरे को लगा वो सोल्यूशन देख के बोल रही है, भरोसा नहीं हम लोगों का बिल्कुल, और वो सोल्यूशन देख के बोली है शायद ठीक है. अब हम लोग कैसे एकदम बदनाम हो गई ना, इन लोगों के साथ बैठना बंद करो तुम. मैट्रिक्स एन रो ये हो गया, इसको रन किया. अब T3XY, अब पहला वाला क्या होगा? अगेन ये तो सेम चीज ही फॉलो करता है, तो इसमें विल देयर बी एनी चेंज? खाली यहां आप लोग करोगे T3, एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा, बोलो क्या होगा T3? थैंक गॉड आज अगर तुम नहीं बोलता ना तो तुमको तो सच्ची में क्लास में नहीं बैठने देते. ठीक है अब इसका हेड निकाल लेंगे. मैच योर आंसर्स, डिफरेंट आ रहे मेरा आंसर से, एक बार देखना तुम लोगों का क्या आ रहा है, मतलब मेरे से नहीं हुआ. सीड वैल्यू नहीं रन हुआ क्या? मेरे को लग रहा है सीड, हाँ सीड वैल्यू नहीं रन किया, नहीं सीड वैल्यू नहीं रन हुआ था मेरा, अब आ जाएगा. आया सबका? एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट 2, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो. क्लियर है तुमको?
कैसे निकालेगा, प्रोसेस बताओ तो क्विकली। देखने का क्या जरूरत है, कोड्स नहीं चाहिए मेरे को, प्रोसेस चाहिए खाली। यू कहाँ से निकाले हम लोग, क्या कौन एक्सप्लेन करेगा, आदित्य करेगा, करो करो एक्सप्लेन करो, फटाफट करो, टाइम में वेस्ट करो, तुम करो एक्सप्लेन। मतलब इसका क्या मतलब होता है, यू एन बी इज रिलेटेड, नहीं बट यू एन बी इज रिलेटेड यूजिंग टी कॉपिला ना, ये मीनिंग इसका ये है, तो ये एक्सप्लेन करना होगा कि यू एन बी आर रैंडम नंबर्स फ्रॉम यूनिफॉर्म 0,1 विच आर रिलेटेड यूजिंग बाय अ टी कॉपिला। वेरी गुड, फिर अब एक चीज समझ में आ रहा है तुम लोग को, तुम लोग को प्रोसेस पता है पर तुम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे उसको। कल पता है एक स्टूडेंट से बात हुआ, आई विल नॉट टेक द नेम ऑब्वियसली, तो वो पता है उसको क्लासेस लेना पड़े कम्युनिकेशन का, क्योंकि शी इज नॉट एबल टू क्लियर हर इंटरव्यूज बिकॉज ऑफ अ कम्युनिकेशन। और वो जब मैं से बात करती थी तभी भी मेरे को ये चीज फील हुआ दैट शी इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट ओनली। कैसे क्लियर होगा इंटरव्यू आफ्टर क्लियरिंग 6 पेपर्स इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू हैव जस्ट डन राइट नाउ। एक साल बाद आपको इंटरव्यूज, इनफैक्ट इसी साल आपको बैठना पड़ेगा अक्टूबर नवंबर में फॉर द इंटरव्यूज इफ यू आर इन योर सेकेंड ईयर, इसी और आएंगे ना अक्टूबर नवंबर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है आजकल। कैसे करोगे, कैसे आंसर करोगे, गेट इन टू दिस हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू एटलीस्ट योर फ्रेंड्स ताकि वो कम्युनिकेशन बिल्डअप हो, एंड इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है, सो ऑब्वियसली गेट इन टू दैट हैबिट। चलो नेक्स्ट, यही अगर थ्योरी में होता तो कैसे करते, थ्योरी में अगर होता तो यू अगर हम लोग को दिया हुआ है, सपोज यू एक रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, तो वी निकालेंगे यूजिंग सी यू कॉमा वी का एक्सप्रेशन था, याद है, एक सम किए थे, एग्जाम्पल किए थे, सी यू कॉमा वी एक कॉपिला का फंक्शन दिया हुआ है, मतलब पूरा उसमें अपने वी पुट इन करेंगे तो अपना आउटपुट आएगा, तो यू अगर दिया तो वी वैसे निकलेगा, यू वी आ गया, अब एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लॉट ऑन अ सिंगल ग्राफ द लाइन ग्राफ्स ऑफ एस्टिमेटेड कंडीशनल मीन ऑफ y गिवन x इज ग्रेटर देन x अगेंस्ट द अगेंस्ट x फॉर वैल्यूज ऑफ x एट इंटरवल्स 1 फ्रॉम 10 टू 30, इंटरवल्स ऑफ 1 मतलब 10 11 12 डॉट 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 30 तक इंक्लूसिव फॉर ईच ऑफ द टू जेनरेटेड कॉपिलास, यू शुड यूज सेपरेट कलर्स टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द टू लाइन ग्राफ्स एंड सेट द y एक्सिस रेंज फ्रॉम 50 टू 250। करो बेसिकली x एक्सिस पे x प्लॉट करना है, y एक्सिस पे y प्लॉट करना है, दो लाइन ग्राफ्स बनेंगे, एक आपका नॉर्मल कॉपिला वाला का और एक आपका टी कॉपिला वाले का। चलो करो, बट ये कंडीशनल मीन प्लॉट करना है आपको, सिंपली x y नहीं प्लॉट करना है, x एक्सिस पे x रहेगा 10 से 30 और y एक्सिस पे आपको कंडीशनल मीन निकालना है y का, मीन ऑफ y गिवन x is greater than x, मतलब x is greater than 10, x is greater than 11, so on and so forth. करो, ये I think थोड़ा ट्रिकी पार्ट था इस पेपर में। हाँ हाँ 16 मार्क्स है, तब भी ऑब्वियसली ये एक्चुअली में ट्रिकी है। कर लो बात कर लो, जाओ मम्मी से बात कर सकते हैं तुम, गर्लफ्रेंड से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, अब मम्मी से बात करने में वो आ रहा है तुमको आलस, ठीक है। 10:30 भी लिख सकते थे, एक ही बात है। एक्स आ गया, अब वाई वन वाई टू निकालो, प्लॉट करो। चलो कैसे निकालेंगे, पहला वाला वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, मीन फंक्शन डायरेक्टली यूज करो, मीन ऑफ द वाई कॉलम एंड इंडेक्सेशन यूज करो,
जहां पे आपका x का वैल्यूज x से बड़ा है। बट यहाँ एक ट्रिक है, ट्रिक आपका ये है कि आपके x के कितने वैल्यूज हैं, 21 वैल्यूज हैं। तो हर 21 वैल्यूज के लिए अलग से बनेगा ना मीन, समझ रहे हो? हर वैल्यू ऑफ x का तो मीन अलग निकलेगा, तो लूप रन करना होगा, लूप रन करना होगा 21 टाइम्स फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x। आपको क्या करना है एक बार देख लो, समझ लो, ताकि तुम लोग खुद से थोड़ा एटलीस्ट सोच पाओ। सपोज t3xy है, हम लोग को मीन ऑफ y निकालना है, हम लोग को मीन ऑफ दिस कॉलम निकालना है, मीन ऑफ दिस कॉलम वेयर योर x इज ग्रेटर देन 10। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या दिख रहा है, ये सारे वैल्यूज ग्रेटर देन 10 है, तो उन्हीं वैल्यूज का मीन निकालना है। फिर ग्रेटर देन 20, फॉर एग्जाम्पल 11, ऐसे कर करके अगर हम लोग 16 पे आ गए, तो ग्रेटर देन 16 जहां जहां है खाली वही वही, तो ये वाला नहीं आएगा, उसमें काउंट नहीं होगा। तो आपको इंडेक्सेशन, आपको करना क्या है, आपको मीन, अभी लिखना मत, मीन ऑफ गॉश एक्स वाई का सेकेंड रो का मीन निकालना है, सेकेंड कॉलम का, ऑल रो सेकेंड कॉलम का, इसका वापस से आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। देर आपका करेक्ट, ये वाला ऑल रोज फर्स्ट कॉलम शुड बी ग्रेटर देन बोले कि लेस देन बोले, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये जो x है, अभी x विल टेक अ वैल्यू ऑफ 10, 11, 12, ऐसे करके आपको कितने मीन्स मिलेंगे, 21, एंड यू विल प्लॉट 21 x का वैल्यूज, 21 मीन का वैल्यूज, तो इसको लूप में डाल दो, बस हो गया खत्म। तुमको क्या करना है, तुमको मीन ऑफ, रीड करो एक बार क्वेश्चन, रीड करो फिर समझा रहे हैं। हाँ पूरा रीड करो, किसका एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करना है, मीन ऑफ वाई, मीन ऑफ ये वाला कॉलम वेयर योर एक्स इज ग्रेटर देन दिस एक्स। तो इस एक्स में आपके 21 है ना, तो जहां जहां ये एक्स 10 से बड़ा है उसका मीन ऑफ वाई, जहां जहां ये एक्स 11 से बड़ा है उसका मीन ऑफ वाई, उसी रोज का। तो ये वाला इंडेक्सेशन, ये जो पूरा इंडेक्स, एक सेकेंड, इंडेक्सेशन में गलत हो गया, इधर बंद होगा, हाँ ये इंडेक्सेशन क्लियर हुआ। ये आपका वेक्टर एक्सट्रैक्टर है, ये आपका एक वेक्टर एक्सट्रैक्टर है ना, वेक्टर में अपने ये वाला इंडेक्सेशन डाल रहे हैं कि पहला रो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो x है वो 10 से वहां तक जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, फॉर i इन 1 से 21 और यहां पे अपने लिख दो ऐसे एक्स आई, एक बार देखो इसको, ये वाला एक बार देखना ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, नहीं क्लियर होगा तो मेरे को पूछो। इसको अपने डाल देंगे वाई वन में, हाँ वाई वन पहले डिफाइन करना पड़ेगा, करेक्ट, करेंगे डिफाइन। सेम थिंग फॉर टी थ्री, ट्वेंटी वन ही तो वैल्यूज आएगा, देख लो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। अब बस सिंपली प्लॉट करना है,
क्या की क्लियर है सबको? इधर ये इंडेक्सेशन से सेकंड ब्रैकेट सेकंड कॉलम निकला. अब सेकंड कॉलम में ओनली दोज वैल्यूज जहां एक्स इज ग्रेटर देन एक्स. ठीक है, तो प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन, लिमिट इन्होंने सेट करने बोला है, एक्स लिम बोला है 10 से 30, वाई लिम क्या बोला है 50 to 50. क्या मिस्टेक हुआ? लास्ट वैल्यू उठा लिए खाली. इसमें लाइन चार्ट के लिए टाइप इक्वल्स एल कर दो और एक्स लैब वाई लैब प्लीज अच्छे से देना. एक्स लैब में क्या दोगे? एक्स लैब इज एक्स ओनली तो वो रहने दो. वाई लैब में क्या देंगे? कंडीशनल मीन ऑफ वाई गिवन एक्स ग्रेटर देन एक्स. ठीक है, एंड टाइटल में कंडीशनल मीन ऑफ सेम चीज, कंडीशनल मीन ऑफ वाई गिवन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स फॉर टू कॉपिलास विथ रो माइनस 0.5, बिकॉज दोनों का रो सेम है. प्लीज तुम लोग टाइटल अच्छे से दे देना. आई एम नॉट गिविंग इन, बट तुम लोग नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा. बाईचू देख लो. अरे भाई तुम लोग अपना जिंदगी का प्रॉब्लम पहले ठीक करो. दिखा वो मैं ऐसे क्या एरर आ रहा है ना? जोर से बोलो, एरर बोलो. वाई वन रन करो एक बार. जीरो से क्या वाई पूरा लूप रन किया है? वाई वन जीरो था उसका. प्लॉट कैसे आएगा हुआ? इसीलिए अपने ही प्रॉब्लम पे तुम लोग अभी फोकस करो. तुम लोग इतना समक्ष नहीं हुआ लाइफ में कि सामने वाले का तुम लोग कर पाए सॉल्व कुछ. फॉर लूप रन किया और उसके ऊपर ये रन किया वाई वन न्यूमेरिक 21, स्मॉल वाई कैपिटल वाई ऐसा कुछ गड़बड़ किया तो पता नहीं. आई ऑल्सो कांट सॉल्व. अब लेजेंड बनाओ. देखो लेजेंड टॉप राइट में बना दो, बॉटम लेफ्ट में बना दो. आई एम नॉट मेकिंग द लेजेंड. अभी तुम लोग एकदम होशियार हो गए लेजेंड बनाने में. ब्लैक वाला हम लोग का गॉर्जियन है और रेड वाला हम लोग का टी कॉपल है. जो इसका कमेंट दे दिया वो पास है CS2. हाँ हाँ आराम से एकदम टाइम लो, पूरा टाइम लो. कमेंट ऑन द की फीचर्स ऑफ द प्लॉट. लेजेंड बना लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे बार बार कौन सा कौन है. मीन ऑफ वाई इन जनरल क्या आ रहा है? क्या ये निकालने का जरूरत है? मीन ऑफ वाई किधर दिया हुआ है? हिंट दे दिया अब करो. मीन ऑफ वाई 200, हिंट दे दिया अब करो.
जब भी कमेंट नहीं समझ में आए ना, ऊपर जाके थोड़ा क्वेश्चन ऐसे से देख लेना, आ जाएगा, दो तीन लाइन से समझ आ ही जाएगा। क्या होगा बोलो? क्यों? करेक्ट। तो एक पॉइंट सही बोला कि कंडीशनल मीन इज डिक्रीजिंग एज योर एक्स इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रो या नेगेटिव पैरामीटर फॉर बोथ द कॉपुलस। बट जो मैंने 200 मार्क करा है वो तुम लोग को भी देखना चाहिए था कि स्टार्टिंग में the value for the lower values of x, obviously क्योंकि हमने लिखा है greater than equals to 10, ठीक है, तो obviously most of the values of x will be greater than, and x का हमारा mean क्या है, x का mean हमारा 20 है, तो obviously you expect most of the values to be greater than 10 itself, क्योंकि अगर तुम लोग एक normal distribution बनाओगे तो 20 अगर mean है तो बहुत सारे 10 के आपके right side में रहेंगे most of the values, more than 50% values तो रहेंगे। तो इतना नहीं डिटेल में, खाली स्टार्टिंग में बोलना है कि फॉर द लोअर वैल्यूज ऑफ एक्स द कंडीशनल मीन इज क्लोज टू और इक्वल टू द अनकंडीशनल मीन। अनकंडीशनल मीन ऑफ वाई इज 200, शुड बी 200, तो दोनों के लिए 200 है। एज द वैल्यूज ऑफ एक्स इंक्रीजेस बोथ द कंडीशनल मीन्स विल फॉल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पैरामीटर से बेटर है क्योंकि पैरामीटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होता है, सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रो बोथ द वैल्यूज डिक्रीजेस। बट यहाँ शार्प डिक्रीज क्यों है, याद करो गॉसियन कॉपुला में जीरो टेल डिपेंडेंसी होता है एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव टेल डिपेंडेंसी होता है, क्योंकि पॉजिटिव टेल डिपेंडेंसी है तो फॉर हायर, ये टेल वैल्यूज हो गए ना, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एक्स, टेल वैल्यूज ऑफ एक्स हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि देर इज अ हायर, क्योंकि देर इज अ टेल डिपेंडेंसी इन केस ऑफ टी कॉपुला, तो द फॉल इन केस ऑफ टी कॉपुला इज मोर स्टीप एज कंपेयर टू गॉसियन, क्योंकि गॉसियन में जीरो टेल डिपेंडेंसी, तो टेल वैल्यू ऐसा नहीं कि एक्स का वैल्यू छोटा होगा तो वाई का भी छोटा होगा, या वो टेल डिपेंडेंसी इधर नहीं है। अब क्योंकि रो नेगेटिव है तो एक्स का वैल्यू ज्यादा, मतलब वाई का वैल्यू विल बी लेस। अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वाई का वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है एज योर एक्स वैल्यू इंक्रीजेस, क्योंकि ये हम लोग कंडीशनल मीन प्लॉट किए ना, इट इज द मीन ऑफ वाई वैल्यूज, तो अगर वाई वैल्यूज कम होगा तो मीन भी छोटा होगा, सो फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एक्स ये आपका इसीलिए ज्यादा, और स्टीप डिक्रीज इन टी कॉपुला बिकॉज टी डिस्ट्रीब्यूशन टी कॉपुला शोज टेल डिपेंडेंसी एंड गॉसियन हैज नो टेल डिपेंडेंसी, ये हो गया। और इनकंसिस्टेंसी कुछ ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पे इट्स
मतलब इससे नीचे है, बट फॉर दीज एक्स वैल्यूज लाइक समवेयर अराउंड 17-18 से 20-23 तक, वी सी दैट द वैल्यू ऑफ टी कॉपुला, कंडीशनल मीन ऑफ टी कॉपुला इज स्लाइट हायर. तो ये तुम लोग को इसको एटलीस्ट लिख दो ना, एटलीस्ट हाफ अ मार्क वन मार्क तो मिले. थोड़ा स्लाइट हायर है, स्लाइट एकदम स्लाइट माइन्यूटली, बट एटलीस्ट हाफ अ मार्क वन मार्क कुछ तो मिले. तो ये इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है कि हमेशा लोअर देन नहीं है, थोड़ा ऊपर है फॉर दीज फ्यू वैल्यूज. और आई थिंक यही है, और कोई मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है. तुम लोग बोलो और कुछ आ रहे तो. आई गेस मोर देन एनफ 4-5 पॉइंट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड. नेक्स्ट करो, नेक्स्ट बोल रहे हैं. तुम लोग लिख लेना इसको, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ योर प्लॉट, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ योर प्लॉट इन पार्ट टू इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर वेटेड टुवर्ड्स द हायर वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा अगर आपका एक्स वैल्यूज विल इंक्रीज एंड आर मोर टुवर्ड्स द हायर साइड, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? वाई रेनफॉल है, ठीक है. ये क्या डिनोट कर रहा है अगर हम लोग स्टडी से रिलेट करें, मतलब मॉडल से रिलेट करें? एक्स हम लोग का टेम्परेचर है, वाई हम लोग का मीन है, मीन रेनफॉल है ना, मीन हाँ बाय रेनफॉल है, तो उसका मीन ले रहे हो ना, तो मीन एवरेज रेनफॉल है गिवन x इज ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x. सो इफ योर x वैल्यूज आर हाई, आपका आप अगर x वैल्यूज अगर चेंज करोगे, लेट्स से सपोज आपके जो x के बहुत सारे वैल्यूज हैं वो और इंक्रीज हो जाए, तो हायर वैल्यूज में तो एनीवेज उतना इफेक्ट नहीं होगा ना, मीन थोड़ी इंक्रीज चेंज होगा. क्यों? अगर तुम्हारा समझो, ध्यान से एकदम लॉजिकली समझते हैं, अपने जो ये x का वैल्यूज हेड है, इसको हेड रन करो, ये आपके x के वैल्यूज हैं, टेम्परेचर है, ये आपका y है. अगर मैं बोलूं ये सारे टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, ठीक है, तो इस वैल्यूज में ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन 26, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा ना, बिकॉज ये तो ऑलरेडी जितना है उससे थोड़ा, ये जो चेंज इन द कंडीशनल मीन है उतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज आप ग्रेटर देन x निकाल रहे हो, लेस देन x नहीं निकाल रहे हो. मैं बोल रही हूँ 20 ग्रेटर देन 15, अब 20 को अगर आप 22 कर दोगे, 22 ग्रेटर देन 15 डज नॉट मेक एनी सेंस ना, वो तो ऑलरेडी इसमें आई रहे, तो देर विल बी नो ह्यूज चेंज इन द कंडीशनल मीन, क्योंकि कंडीशन है ग्रेटर देन x. समझ रहे हो? फॉर हायर वैल्यूज ऑफ x. हाँ, तो अब क्या बोलना है बताओ नेक्स्ट. नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड रुको, मैं बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ही अनचेंज्ड रहेगा, उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, राइट, कंडीशनल मीन, बट थोड़ा तो चेंज होगा. इट शुड डिक्रीज और इंक्रीज एवरेज रेनफॉल. डिक्रीज क्यों? क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आप उन्हीं का मीन ले रहे हो, उन्हीं वाई वैल्यूज का मीन ले रहे हो, जहां पे ये एक्स इज ग्रेटर देन सम एक्स, तो ये एक्स तो ऑलरेडी और भर रहा है, ये x तो ऑलरेडी और भर है, तो वैल्यूज की अब ये सारे 15 से ग्रेटर होगा, 20 से ग्रेटर होगा, ज्यादा वैल्यूज आएंगे तो उसका आप मीन लोगे तो ऑब्वियसली वो फॉल होगा. सो योर कंडीशनल मीन विल फॉल स्लाइटली इफ यू इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ x, एंड दिस डिक्रीज विल बी मोर इन केस ऑफ t डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि t डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ टेल डिपेंडेंसी. ठीक है, इसको रीड कर लो एक बार, सोल्यूशन ओपन है क्या? I'll open the solution. देखो, in order to draw any conclusions here, it is necessary to assume conditional distribution of y given x remains unchanged for each value of x. The graph in part 2 indicates
mean level of rainfall can be expected to decrease, with the extent of decrease being greater for students T than Persian. गलत है ये. इन्होंने बोला है कि इट इज नेसेसरी टू अज्यूम कि वाई एक्सिस पे आप जो प्लॉट कर रहे हो उसमें जो एक्स का वैल्यूज है वो नहीं चेंज हो रहा. वो आप सेम एज इन व्हाट दे मेंट टू से इज दिस एक्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. एक्स ग्रेटर देन एक्स कर रहे हैं ना तुम, तो वो जो ग्रेटर देन एक्स स्मॉल एक्स है वो ये है ना 10 से 30, वो बोल रहे हैं ये नहीं चेंज होगा आपका. We assume that you are plotting conditional mean of y given x is greater than x. वो जो x greater than x है, वो जो small x है, वो यही रहेगा. वो बोल रहे हैं. Statement थोड़ा weird है. ठीक है. Clear? इतना ही करते हैं आज के लिए. टुमारो वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर. अरे 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 कैमरा, मतलब तुम अभी तुम भाग जाएगा क्या पूरा? कल हम लोग करेंगे ये वाला पेपर खत्म, और फिर हम लोग का कितना बचेगा? 4 पेपर्स और बचेंगे पेपर बी का, है ना? तो कल क्या है? वेंसडे कल एक और खत्म हो जाएगा, फिर परसों थर्सडे फ्राइडे तक खत्म कर देंगे. फ्राइडे क्या? फ्राइडे फर्स्ट हाफ, फिर वाई वन भी करना है, वाई वन वाई टू. ठीक है.